वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारीषु सर्वदा. बहुत बड़ा सपना नहीं देखा था मैंने, बस यही देखा था कि मैं और वो हमेशा साथ रहने वाले हैं, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे. पर जो सपने दिखाता है वो कभी कभी सपनों के साथ नींद भी छीन लेता है. काय और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वो बेचारी तो जानती भी नहीं कि आज उससे क्या छीनने वाला है, और मैं भी मर रहा हूं. साथ जीने का ख्वाब देखा था हमने, और आज साथ मरने का मौका भी नहीं मिला. हालांकि ऐसा नहीं कि हमने जिंदगी के इस फैसले को चुपचाप मान लिया. हमने अपने प्यार को पाने की बहुत कोशिश की, बहुत लड़े जिंदगी से, पर आज हम सब कुछ हार चुके हैं. बस इन बंद होती आंखों में कुछ यादें साथ लेकर जा रहा हूं, जिनमें मैं और काया बहुत खुश थे. बहुत. चाहता कितना तुमको दिल, तुम नहीं जानते. क्या है मेरे दिल की मुश्किल, तुम नहीं जानते. चाहता कितना तुमको दिल, तुम नहीं जानते. क्या है मेरे दिल की मुश्किल, तुम नहीं जानते. ऐसा एहसास धड़कन में कभी पहले ना जागा था. चाहता कितना तुमको दिल, तुम नहीं जानते. क्या है मेरे दिल की मुश्किल, तुम नहीं जानते. मान लूं सजदा
मान लूं इस जिंदगी का सबब मान लूं सजदा करूं तुमको रब मान लूं कह रहा दिल तुम नहीं जानते क्या है मेरे दिल की मुश्किल तुम नहीं जानते चाहता कितना तुमको दिल तुम नहीं जानते क्या है मेरे दिल की मुश्किल तुम नहीं जानते ऐसा एहसास धड़कन में कभी पहले ना जागा था Oh shit! Hello, I'm Dr. Gupta. Ranbir Shekhawat, that's my wife. Hello. Sorry to keep you waiting. CT scans ki report aa gayi hai and there is nothing for you to worry about. Koi internal injuries nahi hai. God. Shayad shock ke karan behosh ho gayi hogi. To thodi der mein hosh aa jayega. Shukr hai Bhagwan ka. Kya hum uske paas ja sakte hain? Yeah, sure. Wo ladka bhi wahi hai. Ladka? Haan, jo uske saath aaya tha. I must tell you, he is also very lucky. Zara bhi chot nahi aayi use. वही हुआ जिसका डर था कहा था मैंने तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसे सब कुछ बता दो लेकिन तुम आजकल करते नहीं और बात यहां तक आ गई काश हमने बात उसे पहले बता दी होती मैंने सोचा था उसका बचपन अच्छे से गुजर जाने दो एक बार बड़ी हो जाएगी तो nonsense? अगर उसे कुछ हो जाता तो हाँ? इससे पहले कि और लेट हो जाए मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ क्या बता देंगे पापा काया बेटा बेटा तू ठीक तो है ना हाँ माँ मैं ठीक हूँ लेकिन आप लोग मुझे क्या बताने वाले थे मैं बताता हूँ काया यू नो आप रहने दीजिए ना मुझे बताने दीजिए प्लीज बेटा तुम्हारे पापा को उनके पुरखों ने नाम इज्जत पैसा और प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और चीज भी विरासत में दी है जिसके बारे में हमने तुम्हें कभी बताया नहीं तुम ये तो जानती हो कि हम लोग एक राज परिवार के वंशज हैं पर तुम ये नहीं जानती कि हमारा राज परिवार किस गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है कुछ 350 साल पहले की ये बात है हिमाचल की पहाड़ियों के उस पार ब्यास नदी के बीचों बीच महाराजा रंजीत सिंह का आलीशान महल खड़ा था मेरे पास मत आइए सरकार मेरे पास मत आइए हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके मेरे पास मत आइए आप महाराज के छोटे भाई आपके एक इशारे में 50 लड़की आ जाएगी लेकिन आप मुझे जाने दीजिए मेरे दो दिन बाद शादी है मुझे जाने दीजिए मेरे पास मत आने मेरे पास मत आइए सरकार वरना मैं अपनी जान दे दूंगी Thank you.
अगर आप हमारे छोटे भाई ना होते और पिताजी ने आपकी जिम्मेदारी हमें ना सौंपी होती तो अभी और इसी वक्त आपका सर कलम कर देते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मेरे साथ क्या हुआ? मुझे वो लड़की नदी के पास दिखी, उसके बाद से उसकी आत्महत्या के बीच में जो कुछ हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मुझे लगता है मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं था। बकवास कर रहे हैं क्या? आप जानते हैं वो किन की बेटी थी? आचार्य सचिदानंद की। महाराजा रंजीत सिंह आपके सामने सर झुकाकर शर्मिंदा खड़े हैं आचार्य, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ है वो पाप है, कुकर्म है, घृणा के योग्य है। पर हम आपको वचन देते हैं आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसी गलती चाहे हमारी प्रजा में से कोई आम इंसान करे या हमारा छोटा भाई, सजा सबके लिए समान है। आपके साथ न्याय जरूर होगा आचार्य। क्या तुम मेरी पुत्री को जीवित कर सकते हो? हम अपना मुकुट आपके चरणों में रखते हैं आचार्य, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे चरणों में पड़ा तुम्हारा यह मुकुट मेरे मन की अग्नि को शांत नहीं कर सकता। रंजीत सिंह, हर पिता का एक सपना होता है कि उसकी पुत्री का धूमधाम से विवाह हो, कि उसकी पुत्री किसी और के घर की लक्ष्मी बने, किसी और के घर जाकर अपना और अपने परिवार का मान बढ़ाए। दो दिन बाद मेरी पुत्री का विवाह होने वाला था, परंतु तुम्हारे भाई के कारण खुशियां मेरी चौखट तक आके वापस लौट गई। रंजीत सिंह, तो फिर आप ही न्याय करें। तो न्याय ये है, तुम लोगों ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मैं तुम लोगों से तुम्हारी खुशियां छीनूंगा। अगर मैं अपनी पुत्री को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाया तो तुम लोग भी अपनी पुत्रियों को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाओगे। मैं आचार्य सचिदानंद तुम्हें और तुम्हारे राज परिवार को शाप देता हूं कि तुम और तुम्हारे खानदान की आने वाली पीढ़ियों की पुत्रियां कभी भी विवाह का सुख नहीं देखेंगी। इतना ही नहीं, अगर किसी भी पुत्री ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज के बाद इस राज परिवार में जन्म लेने वाली हर पुत्री शापित होगी। शापित होगी। शापित होगी। शापित होगी। ये रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है भार्गव साहब। मेरी जगह कोई और होता तो इतने बड़े रिश्ते की बात सुनकर कितना खुश होता, बट आई एम हेल्पलेस भार्गव साहब, मैं मजबूर हूं। मिस्टर शेखावत, उस दिन जो भी हुआ दैट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। आई मीन
दिस इज 21st सेंचुरी मिस्टर शेखावत, आप अब तक उसी दुनिया में जी रहे? कम से कम जी तो रहे, वरना पिछले 300 साल से हमारे खानदान में जिस बेटी ने शादी करने की कोशिश की वो ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में मारी गई। देखिए मिस्टर शेखावत, मर्जी आपकी है, लेकिन लेकिन क्या भार्गव साहब, हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, मां बाप के लिए एक बेटी हमेशा पराई अमानत होती है। एक बार सोचकर देखिए कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं, अपनी बेटी को उसकी खुशी नहीं दे सकता इन स्पाइट ऑफ वांटिंग टू गिव हर द वर्ल्ड। आप चाहे तो इसे मेरी कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसकी शादी और जिंदगी के बीच मैं उसकी जिंदगी चुन रहा हूं। चलता हूं भार्गव साहब, चलें चलें काया। मिली है सजा, हो
कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, हो कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। मैंने तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ने के लिए था मायक आया, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो तकदीर को बदलना होगा, उस शाप को हारना होगा, नियति को हमारा साथ देना ही होगा काया। हाय अमन। क्या हुआ यार, इतना अर्जेंट क्या है? यार कुछ अजीब है। क्या अजीब है? अरे तू आ तो सही, मैं दिखाता हूँ तुझे। उस दिन काया को रिंग देने के बाद तुम लोग वापस पार्टी में आए थे, ये फोटोग्राफ उस वक्त की है। तो सी ये देख, सी ओ माय गॉड, ये तो वही है जो एक्सीडेंट से पहले रास्ते पे खड़ी थी। आई हिट हर विद माय कार मैन। तो फिर ये यहाँ पार्टी में क्या कर रही है? जाहिर है पार्टी करने तो नहीं आई होगी। मुझे तो लगता है अमन कि कोई और चक्कर है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास ऐसे हर सवाल का जवाब है। आई थिंक वी शुड मीट हिम। थीबन का आई और वी लैटिन के यू और जे की तरह दिखाई देता है। The origins of the Theban alphabet are lost in the midst of time. पर सर, आज तो आप हमें विचक्राफ्ट के बारे में बताने वाले थे ना? अंग्रेजों से बात करनी हो तो अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है माइडिया। अगर तुम विचक्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हो तो थीबन अल्फाबेट को समझना बहुत जरूरी है। There's a certain mystical quality about these alphabets. इसीलिए माना जाता है कि विचेस कम्युनिकेट करने के लिए इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करती थी। But sir, आप हमें घोसे कब मिलवाएंगे? I mean, tell us something about them. आज नहीं, कल, क्योंकि आज मैं इतना थक चुका हूँ कि तुम सब मुझे घोस की तरह नजर आ रहे हो। सो वी विल कॉल इट अ डे, राइट? सो क्लास सी ऑल टुमारो, एंड प्लीज ये भूत प्रेत के सब्जेक्ट को जोक मत समझना, इट्स डेंजरस बिजनेस। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर पशुपति। यस, कैन आई हेल्प यू? वी थिंक ओनली यू कैन। Wow, this is fantastic. पहली बार देख रहा हूं इतनी क्लियर इमेज। Can I keep this image? Sure. लेकिन ये औरत है कौन? It's a spirit. ये वो बुरी आत्मा है जो शाप से जुड़ी हुई है, या फिर यूं समझ लो तुम्हारा ये शाप उस आत्मा से जुड़ा हुआ है। बाकी मेरी जितनी समझ है या जितनी रिसर्च मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में की है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये बुरी आत्मा इस शाप की रक्षक है, इज द कीपर ऑफ दिस कर्स। काफी हमारे यहाँ कई कल्चर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द मायन कल्चर। सिट। वो मानते हैं कि जो शाप सदियों तक चलता है, यानी कि जनरेशनल कर्स, वो काम कैसे करता है? अब जो शाप देने वाला है और शाप पाने वाला है वो तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन शाप जिंदा रहता है सदियों तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैसे? उस शाप को
अगली जनरेशन तक पहुंचाने का काम वो बुरी आत्मा ही करती है। क्लेवर बॉय, जब एक शाप दिया जाता है तो वो एक बुरी आत्मा से जुड़ जाता है। उस शाप को हकीकत में बदलना उस आत्मा का काम बन जाता है। मतलब अगर किसी शाप को खत्म करना हो तो उस बुरी आत्मा को ढूंढ के खत्म करना होगा जिसके साथ वो शाप जुड़ा हुआ है। क्लेवर अगेन। पर ये शाप किस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है ये कैसे पता चलेगा? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, पर इतना मुश्किल है कि नामुमकिन के बराबर है। लेकिन कोई तो उपाय होगा। उपाय इंसानों को किया जाता है, आत्माओं का नहीं, और ऐसी आत्मा का तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओ और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो, समझे? No, I can't do this. I won't do this. मैं उस आत्मा से लड़ने के लिए तैयार हूँ। No, that's not very clever. लड़ाई हमेशा बराबर वालों से की जाती है, उस दुश्मन से की जाती है जो दिखाई देता हो। पर यहाँ तो सिर्फ वो तुम पर वार कर सकती है, तुम उस पे नहीं। ये आत्मा वात्मा का चक्कर तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ घर जाओ। मैं आपसे सलाह नहीं, हेल्प मांगने आया हूँ। रात को 12 बजे के बाद शमशान में जाने को कहूँगा ना तो जान निकल जाएगी तुम्हारी, और तुम सीधे सीधे इस आत्मा से उलझना चाहते हो। ये मौत का खेल है लवर बॉय, और मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से रंगना नहीं चाहता। सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कॉफ़ी पियो और घर जाओ। हाँ बोल। ओपन द डोर, मैं ऊपर आ रहा हूँ। अब क्या नया ट्विस्ट आएगा? ये देख, अर्बन लेजेंड पशुपति ने लिखी है। इसमें मुंबई और उसके आसपास हुई वो सारी कहानियां हैं जो भूत प्रेत से जुड़ी है, और पशुपति ने खुद रिसर्च की है, यानी इसमें लिखी सारी कहानियां सच ही होंगी। तो हियर दिस लेजेंड, कम विद मी। ये सुन, National Library, October 2003. There was a girl named Sonia, medical student. अक्सर लाइब्रेरी में कोने की टेबल पे चुपचाप अपने एग्जाम की तैयारियां करती थी। एग्जाम के प्रेशर को फेस नहीं कर पाई और एक दिन लाइब्रेरी की बीम से लटक के सुसाइड कर लिया। का एक बॉयफ्रेंड था राहुल। जब उसने सोनिया को इस हालत में देखा, ही कुडन्ट बेयर इट। उसने भी अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि सोनिया के मरने से कुछ पल पहले जिस बुक पे वो सर रख के सोई थी उसकी आत्मा उसी बुक में अटक गई। राहुल की आत्मा लाइब्रेरी में आज भी उसे और उस बुक को प्रोटेक्ट करती है, और शाम होने के बाद वहाँ कोई आता जाता नहीं। कहानी अच्छी है, लेकिन अपने किस काम की? मैं उस बुक को लाइब्रेरी के बाहर लेके आऊंगा। What? Have you gone mad? पशुपति की नजरों में खुद को साबित करने के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी है। पशुपति को गोली मार, और वैसे भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में उस बुक को कैसे ढूंढेगा? जैसे अमित ने ढूंढा था। अमित? ये अमित कौन है? Hear this. वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसने और उसके तीन फ्रेंड्स ने खेल ही खेल में लाइब्रेरी के अंदर जाने की कोशिश की। अमित अंदर चला गया, जबकि बाकी तीनों की हिम्मत दरवाजे तक पहुंच के ही जवाब दे गई। अमित उस बुक तक पहुंच गया था। अमित ने अपने दोस्तों को फोन किया एंड ही सेड, ओह माय गॉड, देयर शी इज, पेज 133 पे। एंड ऑल ऑफ अ सडन द फोन गॉट डिस्कनेक्टेड। जब सुबह को दरवाजा तोड़ के उसके दोस्त अंदर गए तो देखा चारों तरफ बुक्स बिखरी हुई थी और अमित की लाश भी।
Oh my God, that's really scary, man. पर ये सब कुछ तू पशुपति को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है? मैं ये सब कुछ पशुपति को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने प्यार को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ।
अर्बन लेजेंड्स मेडिकल स्टूडेंट सोनिया पेज 133 आपने इसी बुक के बारे में लिखा था ना सर मुझे मौत से डर नहीं लगता है सर डर लगता है काया से दूर रह के जीने में अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं काया को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं और अगर अब इस कुछ भी में आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं ये लड़ाई अकेले लड़ूंगा एंड इन दैट केस अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ नहीं होगा इस बात की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता पर हाँ तुम मुझे अपने साथ समझ सकते हो जिससे मिलना है आखिरी बार मिल लो क्योंकि इस रास्ते पे तुम्हें ले जाना बेशक मेरे हाथ में पर वापस लाना ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे अमन काया जिया हाय हाय थैंक्स फॉर कमिंग जा रहा हूँ काया लंदन में पापा का बिजनेस है और संभालने वाला कोई नहीं बस जाने से पहले तुम्हें देखना चाहता था ये रिंग तुम्हें देके जा रहा हूं इसीलिए नहीं कि हम कभी साथ हो पाएंगे लेकिन इसीलिए कि हम कभी तो साथ थे कुछ नहीं होगा हमें हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे किसी ऐसी जगह जहाँ श्राप का कोई असर ना हो हम कुछ भी करेंगे तुम चाहो तो मैं गाड़ी में कभी भी दोबारा नहीं बैठूंगी पैदल चलेंगे हम लोग गार्ड रखेंगे सिक्योरिटी हायर करेंगे कुछ भी करेंगे या घर से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे जिंदगी भर किसी एक फ्लैट के एक कमरे में बैठे रहेंगे अंदर से लॉक करके मैं अपने तकिए के नीचे भगवान की फोटो रख लूंगी हम लॉकेट पहनेंगे तावीज पहनेंगे पूजा पाठ करेंगे जो कुछ भी होगा हम सब करेंगे दुनिया में जितने लोग जो कुछ भी मानते हैं हम सब मानेंगे लेकिन हम साथ रहेंगे ऐसा हो सकता है नामन बोलो ऐसा हो सकता है नामन हम ऐसा कर सकते हैं नामन तेरे बिना जिया न जाए सोचा न जाए तेरे बिना तेरे बिना क्या है दुनिया की दौलत
लड़ाई का पहला असूल है, कभी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो, और इस केस में तो बिल्कुल नहीं, जबकि आपकी दुश्मन एक बुरी आत्मा है। जब हम काया से दूर होंगे तो ये विधि उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करेगी। इसे देवी माँ के चरण में रखते हैं, जब तक ये यहाँ रहेगी काया को कुछ नहीं होगा। Oh my God, वो रुकाया तक पहुंच गई है। कल तुम उसे मिले थे? हाँ। I hope तुमने उसको सच नहीं बताया। नहीं, बल्कि मैंने तो उसे। Did he give anything? Did he give anything? Yes, I gave her. What? What did he give, Aman? You know what, Ruby? I'm not feeling well. I really think I should go home. Don't be silly, Kaya. The party is just getting started. Stick around now, you'll feel better. I know, but सच में मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए. I'm not feeling too good. काया, बस यूं समझ लो मैं तुम्हें हर खतरे से बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें कुछ हो जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझसे दूर रह के भी तुम सेफ नहीं हो। काया, 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 डोंट टच मी। झूठ बोला तुमने मुझसे, यू लाइड टू मी। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। I just don't want to see your face. तुम्हें क्या लगता है अमन? अकेले तुम ही प्यार करते हो मुझसे, और मेरा प्यार वो कुछ नहीं? तुम प्यार में मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो, और मैं क्या हूं अमन? अगर तुमने इस लड़ाई में मेरे बगैर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना, तो आई विल किल यू माइसेल्फ। यू अंडरस्टैंड दैट? आई लव यू अमन। आई लव यू टू।
जब हम किसी जिंदा आदमी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसके जन्म से शुरू करते हैं, और जब हम किसी रूह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी शरीर की मृत्यु से शुरू करते हैं। मतलब? मतलब उस रूह तक पहुंचने के लिए पहले जानना होगा कि उसने अपना शरीर आखिरी बार कब और कहां छोड़ा था। ये एक सिनेमा घर हुआ करता था। कुछ 15-20 साल पहले एक हादसा हुआ, चलते हुए शो में आग लग गई और इस हादसे में सैकड़ों लोग जल के खाक हो गए। तब से ये इसी तरह बंद है? या यूं कह लो कि यहाँ रहने वाली आत्माओं ने काम पूरा नहीं होने दिया। इसका मतलब यहाँ अभी भी? बिल्कुल, इसलिए तो हम यहाँ हैं। मुझे यकीन है हमें यहाँ कोई ना कोई अच्छी आत्मा ज़रूर मिलेगी जो हमारी हेल्प करेगी। मैंने इस पे थीबन में लिख दिया है, हेल्प अस सीक। जहाँ ये बॉल रुकेगी अच्छी आत्मा वहीं मिलेगी। इट कांट बी दैट सिंपल, राइट? नो इट्स नॉट, क्योंकि यहाँ अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी आत्माएं भी हैं। सवाल मैंने काया के नाम से पूछा है, इसलिए जवाब भी हमें काया के नाम से ही मिलेगा। काया, तुम्हें अंदर जाना होगा। काया, ध्यान से याद करो, उस रूह ने तुम्हें जरूर कुछ कहने की कोशिश की होगी। ट्राई एंड थिंक केयरफुली। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा,
मैं इतना डर गई थी कि It could even be a whisper. Sometimes a language you can't understand. एक ऐसी भाषा जो हमें समझ तो नहीं आती पर महसूस कर सकते हैं. मैं अमन के पीछे खड़ी थी और तभी अचानक मेरे हाथ पे कुछ खून की बूंदें गिरी. जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो वह खून. Let me see. ये काया के हाथ पे गिरी हुई खून की बूंदें नहीं है बल्कि कोई रूह है जो हमसे बात कर रही है. ये देखो उस रूह ने जो सिंबल काया के हाथ पे बनाया है वो ये है. Constellation of Leo. इसे मगा भी कहते हैं. मगा किसी का नाम है क्या? नाम है लेकिन एक जगह का. तुम इसे किसको पता कि आज इंद्रप्रस्थ को क्या कहते हैं? दिल्ली. पाटलिपुत्र. पटना. मगा. महिपालपुर. पर ये महिपालपुर कहाँ है? हिमाचल की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है जिस बुरी आत्मा की हमें तलाश है उसने अपना शरीर जरूर वहीं छोड़ा होगा. यह आत्मा कौन है किस शरीर से जुड़ी हुई थी यह हमें महिपालपुर जाके ही पता चलेगा. Let's go. सुनिए जी अरे भाई वहां क्या खड़े हैं इधर आइए. ये लो इस कागज पे मैंने डाक बंगले का पता भी लिख दिया है और वहां तक पहुंचने के लिए जैसा तैसा नक्शा भी बना दिया है. इस पटरी के साथ साथ आपको सीधे जाना है. 700-800 कदम चलने के बाद वहां एक झील नजर आएगी. बस वहां तक पहुंच गए तो समझिए डाक बंगले तक पहुंच गए. और हाँ वहां कहीं सरकारी बोर्ड भी लगा है. थैंक यू. लेट्स गो. किस्मत अच्छी है आपकी साहब जी जो यह गर्म पानी की मशीन बिगड़ गई और मुझे यहां रुकना पड़ा. नहीं तो मैं अंधेरा होने से पहले ही यहां से निकल जाता. वो क्या है ना साहब जी जंगल का रास्ता है. सूरज डूबने के बाद अगर बिल्ली भी पास से गुजर जाए तो शेर का धोखा हो जाता है और अकेले चलो तो अपने ही दिल की धड़कन की आवाज से डर लगता है. और वैसे भी साहब जी इस मौसम में यहाँ टूरिस्ट कम ही आते हैं फिर यहाँ रुककर रात काली करने से क्या फायदा. कभी कभी तो ऐसा लगता है साहब जी इस पूरे महिपालपुर में मैं ही एक जिंदा इंसान हूँ. और हाँ आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा घर उस टीले के ऊपर है. क्या हो प्रोफेसर साहब
Something is calling me. जगह है मगा के नाम पर बस यही एक इमारत बची है महिपालपुर में। 300 साल पुरानी मगा जेल है ये। मगा जेल कहते हैं कि इंसान के मरने के लिए जेल से बुरी जगह और आत्मा के जन्म के लिए जेल से अच्छी जगह दुनिया में नहीं है। और जिस सच की हमें तलाश है हो ना हो वो इन्हीं दीवारों के पीछे छिपा है। मुझे लगता है वो सच और हमारे बीच सिर्फ इस रात का फासला बाकी। अमन अमन
काया, काया, मैंने काया की चीख सुनी, काया, काया, क्या हुआ? What's going on? काया कहीं पे भी नहीं है, क्या? क्या हो, क्या रहा है? वो अमन कह रहा है काया कहीं पे भी नहीं है। कहीं नहीं है मतलब? No way, she's no way. काया, 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 नहीं है यार, काया, काया, क्या हो रहा है? कहाँ चली गई? हमने देखा वो अपने रूम में नहीं है, उसे जंगल में बहुत खोजा, तलाश किया, फाइनली हमें गार्डन में अनकॉन्शियस मिली। मिस्टर पशुपति, आई डोंट बाय योर एक्सप्लेनेशन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एनीवेज,
She was cut off from oxygen long enough to cause hypoxia. Hypoxia? She's in coma. उसे कब होश आएगा? No one knows. पर एक ही जल्दी होश आ जाए. वैसे we have kept her under observation. Any improvement we'll let you know. Okay? Coffee? No thanks. Coffee? Push to CC of FB. Hurry up, now. Charge the defibrillator. 2250, now. Hand me the paddles. Quick. Doctor, what's going on? Please move, we don't need you. Move. Darwaza band karo. Aman, come with me. Not him. Kaun tha phone pe? Kaya. Kya kaha usne? Usne kaha wo mujhe le ja rahi hai. Help me, Aman. What an idiot I am. What? Yeah. See, medically, she's in coma. But in reality, they have a soul. What's happening? Atma ne Atma ko bas mein kar liya hai. Tumne gaya se shaadi nahi ki. Isliye wo uski jaan nahi le sakti. Aur ye chaal chal rahi hai. Wo kaya ki Atma ko tab tak nahi chodegi, jab tak uska shareer khud ba khud uska saath nahi chod deta. Agar kaya ki Atma ko bachana hai, to uske shareer ko bachana hoga. Understood? Come, come with me. लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जा पिछली बार नहीं जा पाए थे. एक बार फिर हमें मगाद जेल से शुरुआत करनी होगी. Please try to understand. Running away from the problem is not the solution. Facing the problem is the solution. Dad, please. I'm sorry, Kaya ko agar main is halat mein chhod ke chala gaya to wo mar jayegi. Aaj Kaya jis halat mein uske zimmedar bhi sirf tum ho. Tum logon ki nadani, baap ho, khudgarz ho. Us bachche ke saath jo hua, main nahi chahta ki mere bete ke saath bhi ho. मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे है। बचपन में अपनी गोद में बिठा के आप ही ने मुझसे कहा था, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग टिल यू डोंट हैव समथिंग टू डाई फॉर। मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं। मैं यहां तुमसे बहस करने नहीं आया, चलो मेरे साथ। एक मिनट डैड, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जिंदा बचने के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देते
वे अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए खुद कुर्बान हो जाते। मेरा एक ही बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसका ख्याल रखना। प्रोफेसर पशुपति, व्हाट एन ऑनर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। माई सेल्फ अनिल राजदान, इसमगा प्रिजन म्यूजियम का मैनेजर। थैंक सो मच, आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला। अरे क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप जैसी हस्ती खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए और हम वक्त ना निकालें, ऐसा कैसे हो सकता है भला? है यू डू मी मच ऑनर। तो आजकल किस टॉपिक पर किताब लिख रहे हैं आप? एनर्जीज इन प्लेसेस ऑफ ईविल। पुरानी जेल्स जो सदियों से बंद पड़ी हैं जी, उनमें आज भी एक अजीब सी एनर्जी है, जैसे बुरा काम करने वाले बुरी आत्माओं की परछाई छोड़ गए। आई सी। ये जेल कितनी पुरानी है? तकरीबन 350 साल पुरानी। ये महाराजा गज सिंह का समर पैलेस था। उनके मरने के बाद उनके बेटे ने इसे कैद खाना बना दिया और तब से लेकर अंग्रेजों के जाने तक ये कैद खाना ही रहा। उसके बाद इसे म्यूजियम बना दिया गया। यह वो रिकॉर्ड रूम जिसका जिक्र मैंने आपसे फोन पे किया था। इन किताबों के पन्नों में हर उस कैदी का नाम दर्ज है जो कभी इस जेल में बंद रहा है, और कुछ केस हिस्ट्रीज भी हैं। अब उस जमाने में प्रॉपर फाइलिंग का कोई सिस्टम तो था नहीं, इसलिए कोई भी नाम कहीं भी हो सकता है। आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे मोबाइल पे कॉल कर दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। इतनी सारी किताबें, इनमें से वो रूप कौन सी होगी, उसका नाम क्या होगा, ढूंढने में तो महीनों लग जाएंगे। We don't have that kind of time। पर ये मत भूलो कि हमें किसी औरत की तलाश है, और जाहिर है औरतों के नाम आदमियों से कम होंगे। लेकिन बंद तो इन्हीं किताबों में है, जब तक सारी केस हिस्ट्रीज पढ़ेंगे बहुत देर हो जाएगी। राइट। लगता है हमें 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। What? दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है इनका संस्कृति। इनका संस्कृति के लोग जीवित शरीर में से आत्मा को अलग करके उसे भूतकाल में भेजने की विधा को जानते थे। काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। मैं इस विधा को जानता तो जरूर हूँ, पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। माँ की कोख में तो बच्चा पानी में सांस ले सकता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। Why? He can breathe in water at that point in time because he is between body and soul। धातु के तीन रूप होते हैं, हवा, वायु यानी कि आत्मा, ठोस सॉलिड मतलब शरीर, और तरल पानी। आत्मा और शरीर के बीच इस विधा की मदद से और पानी के जरिए आत्माओं की दुनिया में जाना मुमकिन है। और पानी में तो सांस नहीं ले सकते। वन ब्रेथ, ओनली वन ब्रेथ। इस विधा में इंसान सिर्फ उतनी देर तक भूतकाल में जा सकता है जितनी देर तक वो अपनी सांस रोक सके। वन चांस, वन ब्रेथ। I'm ready। रेडी। तैरना तो आता नहीं है, पानी में जाने की बात कर रहा है, 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा तू? मुझे जाने दे। नहीं शुभ, आई कांट रिस्क योर लाइफ। हाँ लो, अब बोल रहा है। उस रूह से मेरी जान पहचान कराने के बाद। He's right, अमन। जितना ज्यादा समय हमें पानी के अंदर मिलेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा। Let's go. डोंट वरी, आई एम हियर। जितनी जल्दी हो सके उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश करना। पर इतने सारे कैदियों में मैं उसे पहचानूंगा कैसे? इस क्रिस्टल के जरिए।
इससे तुम्हें सिर्फ औरतों के साए नजर आएंगे, उनके चेहरे, उनके नाम, जो भी देखना उसे याद रखने की कोशिश करना। कम ऑन। Try and remember. कोई और बात जो तुमने देखी हो या फिर कोई और चीज जो तुमने महसूस की हो। उसके पलटने के बाद सब कुछ महसूस होना बंद हो गया, पर उसके पलटने से पहले मैंने उसकी बाजू पे एक तावीज बंधा हुआ देखा था। तावीज। इसका मतलब अगर हम किसी तरह उस तावीज तक पहुंच जाएं तो उस रूह के और नज़दीक पहुंच जाएंगे, पर उस 300 साल पुराने तावीज तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा हमें। शुभ, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस ब्लडी नॉनसेंस। ये आदमी हमसे भी ज्यादा खोया हुआ है। करोड़ों आत्माओं में एक आत्मा, हजारों कैदियों में एक कैदी, सैकड़ों तावीजों में एक तावीज। ये यहाँ प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट करता रहेगा और काया वहां मर जाएगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ये आदमी हमारी हेल्प कर रहा है और क्या हेल्प कर रहा है हमारी? काया वहां कोमा में है और हम अभी उस रूह से उतने ही दूर हैं जितना इस सफर शुरू होने से पहले। अमन, प्लीज, कुछ नहीं कर सकता ये, कुछ अमन, नहीं। अमन, हेल्पलेस।
बड़ी हेल्प। दिमाग का कोई ख्याल? प्यार तो रहता ही दिमाग के ख्याल में है। तुम्हारे ख्याल ने ही मुझे जिंदा रखा हुआ है। I don't understand. I'm here to help us, Aman. जिस चीज की हमें तलाश है मैं जानती हूँ वो कहाँ है। मेरे पास आओ अमन, कम आओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है अमन। ये लीजिए साहब जी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? हाँ हाँ साहब जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है। थैंक यू। आपको पता है साहब जी, हमारे गले में ये तावीज हमारी अम्मा के मरने के बाद आया।
पर हमारी पुश्तों में ये 7 पीढ़ियों से है। हमारे दादा के दादा के दादा की माँ राजमहल में काम करती थी। क्या लिखा है? मुझे क्या पता। मुझे दे। चैले समा रहंचा घाटी मायो, तैले समा गर्चा मोहिनी को रक्षायो। मतलब जब तक गले में रहेगा ये, रक्षा मोहिनी की करेगा ये। मोहिनी? लेकिन ये मोहिनी है कौन? वही रूह जिसकी हमें तलाश है। मोहिनी, महारानी मोहिनी, महाराजा गज सिंह की दूसरी पत्नी। जहां तक मुझे पता है, गज सिंह के मरने के बाद उसके बेटे महाराजा रंजीत सिंह के साथ मोहिनी की ज्यादा दिनों तक बनी नहीं, और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ इसी जेल में गुजारे। मिस्टर राजदान, मोहिनी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड की हिस्ट्री थोड़ी उलझी हुई है, कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। आई सी। मोहिनी से जुड़ी कोई और चीज, कोई और बात जो आप जानते हो? आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आप मोहिनी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको उस राजघराने के पैलेस में जाना पड़ेगा। यहाँ तो उस जमाने की सिर्फ ये पेंटिंग बची है, बाकी सब एंटीक्स यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उसी रिवर पैलेस में है। ये पेंटिंग किसकी है? महाराजा रंजीत सिंह की। अब तक हम आपसे झूठ बोल के सच जानना चाहते थे, पर लगता है सच जानने के लिए सच बोलना ही पड़ेगा। मतलब उस लड़की की जिंदगी को बचाने के लिए उस शाप को खत्म करना होगा, उस शाप को खत्म करने के लिए शुरू को। एग्जैक्टली। सो हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या ये पेंटिंग हमें एक रात के लिए मिल सकती है? देखिए प्रोफेसर साहब, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, और वैसे भी ये पेंटिंग एक एंटीक है। आई एम सॉरी, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। इन दैट केस, पोस्ट विजिटिंग आवर्स, आप हमें अंदर आने की परमिशन दे सकते हैं? हाँ, शायद ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ओके ग्रेट, थैंक्स। ये लो, दूध पी लो, सेहत के लिए अच्छा है। I'm sorry प्रोफेसर साहब, कल रात को मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओके, माफ किया। अरे जस्ट लाइक दैट। तो क्या करूं, वायलिन बजाऊं, तुम्हें गले लगाऊं या रहूं? अगर मैं आपकी जगह होता तो कब का बैग पैक करके जा चुका होता, लेकिन आप अब भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। पूछ सकता हूं क्यों? तुम्हें क्या लगता कि सिर्फ तुम ही ने प्यार किया? मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझसे छिन गई, इसीलिए जब मैंने तुम्हारा सच्चा प्यार देखा तो बिना कुछ सोचे समझे मैं भी तुम्हारी जंग में शामिल हो गया। रियली? नो, नॉट रियली। द ट्रूथ इज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज माई ओनली लव। यू आर हियर फॉर योर लव एंड आई एम हियर फॉर माइन। इट्स कॉल्ड साइकोमेट्री। साइकोमेट्री? साइकोमेट्री के जरिए इंसान अपनी साइकिक कॉन्सेंट्रेशन से किसी मरे व्यक्ति के साथ एक हो सकता है, कुछ पल उसे अपना बना के उसके बारे में सब कुछ जान सकता है। मोहिनी का पूरा सच हमें सिर्फ रंजीत सिंह की रूह बता सकती है।
कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना. द सर्कल ऑफ एनर्जी शुड नॉट बी ब्रोकन. Are you okay? Are you fine? Yeah. Are you okay? Yeah, I'm okay. I'm okay. क्या आवाजें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा. हाई स्पीड में बजाओ. सभी नंबर रिवर्स में. ताजना तब किसी के मेरा बंद बैंड स्वक. ऐसी सी के नंबर ही चीज. बरसों इंतजार किया है मैंने इस पल का. बरसों बात करने की कोशिश की है मैंने किसी से. कब से मैं अपने बारे में किसी को बताना चाहता था पर मैं बेबस था. लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे बस में करके मुझ पर एहसान किया है. मैं महाराजा कश सिंह का पुत्र रंजीत सिंह आज तुम्हें उस पाप की कहानी सुनाऊंगा जिसकी सजा मेरी पुश्तें आज तक भुगत रही हैं. एक बार तीर कमान से छूटता है तो वार करके ही लौटता है. सोच लीजिए अगर महाराज को इस साजिश के बारे में पता चल गया तो सीधे मौत की सजा मिलेगी. वैसे भी जिंदा कौन है मंत्रा? इस जिस्म में एक जवान बीवी और एक सौतेली माँ दोनों साथ साथ दम तोड़ रहे हैं. हमें महाराज गद सिंह को मारना ही होगा क्योंकि अगर वो खुद मर गए तो उनका बेटा रंजीत सिंह हमें इस महल में एक दासी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा और हमें सोने का पिंजरा नहीं मखमल का सिंहासन चाहिए. और सिंहासन तक पहुंचने के लिए हमें महाराज और उनके दोनों बेटों को खत्म करना पड़ेगा. तू है मेरी जिंदगी कहती है मेरी सांसें तू है मेरी जिंदगी एक
टुकड़ियां पहुंची हैं। महारानी जी की जय हो। महाराज जी पधार रहे हैं। जब होती थी बातें क्या बताऊं, क्या थी रातें, क्या जो आती है वो यादें हो। तेरा है बस एक दीवाना, जानता है सारा जमाना, तूने अब तक ये ना जाना हो। रंजीत सिंह और कुलजीत सिंह को खबर कर दे कि महाराज की तबीयत नासाज है। आपने हमें और हमारे भाई को कभी अपना नहीं समझा, ये बात तो हम हमेशा से ही जानते थे, परंतु आप हमारे पिताजी से भी प्यार नहीं करती थीं, ये बात हमें अब पता चली है। हमें लगता है अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश रही नहीं। तुम्हें क्या लगता है? सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में, ले जाओ। आपने रानी साहिबा को कारावास में तो डाल दिया महाराज, परंतु परंतु क्या मंत्री जी? परंतु आप और आपका ये साम्राज्य अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है महाराज। हम कोई समझे नहीं, जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। मैंने विश्वस्त सूत्रों से पता लगाया है महाराज कि उन्हें तंत्र मंत्र और काली विद्या में महारत हासिल है, इसलिए उन्हें जीवित छोड़ना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं होगा। तो फिर इस खतरे का उपाय कीजिए मंत्री जी। जी महाराज। महारानी की जय हो। रंजीत सिंह का राज्याभिषेक हो गया? आपको कैसे पता चला? देखा मैंने, मैंने ये भी देखा कि नए महाराज ये चाहते हैं कि आज की रात मेरी आखिरी रात हो। अगर आप कहें तो किशनगढ़ से एक टुकड़ी मंगवा कर। नहीं, मैं जानती हूं कि जब तक रक्षा का ये तावीज मेरे हाथ में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं चाहती हूं
कि कोई मेरा कुछ बिगाड़े। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगी। अरे पगली, जब तक ये तावीज मेरे पास है मुझे कोई नहीं मार सकता, और जब तक मैं मरूंगी नहीं ये लोग मेरे शरीर को यहीं कैद करके रखेंगे। ये ना समझ इतना भी नहीं समझते कि शरीर को तो कैद किया जा सकता है लेकिन आत्मा को? मुझे अपना बदला पूरा करने के लिए इस शरीर को छोड़कर रूह बनना होगा, एक ऐसी शैतानी रूह जिसका मुकाबला करना नामुमकिन हो, इतनी शातिर कि जिसका सामना करना तो दूर उससे बचना भी किसी के वश में ना हो, इतनी खतरनाक कि गद सिंह की आने वाली पीढ़ियां भी उसका नाम सुनते ही खौफ से थर थर कांप उठे। इस काम में तुम मेरी मदद करोगी? मदद? लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ये लोग मुझे जला देंगे तो तुम मेरी अस्थियां ले जाकर ऐसी जगह छुपा देना जिसके बारे में किसी को मालूम ना हो। जब तक मेरी अस्थियां जल में विसर्जित नहीं होंगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल सकेगी, और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तब तक इस राज परिवार को मेरी रूह से मुक्ति नहीं मिलेगी। मोहिनी की रूह को शाप से अलग करने के लिए हमें उसकी अस्थियों को ढूंढकर जल में विसर्जित करना होगा। पर ये अस्थियां कहां छिपी हो सकती हैं? अगर मैं मैत्री की जगह होता तो अस्थियों को अपनी आंखों के सामने राजमहल में ही छुपाता। आई एग्री, अस्थियां वहीं होंगी, लेकिन दिन में हमें वहां कोई जाने नहीं देगा, हमें रात का इंतजार करना होगा। तब तक लेट्स प्रे कि काया का शरीर उसका साथ ना छोड़े। हेलो अंकल। हेलो, काया कैसी है? वैसी है, नो चेंज। विद योर परमिशन क्या मैं काया से एक बार मिल सकता हूँ? या थैंक्स। तेरे बिना जिया ना जाए, सोचा न जाए तेरे बिना, तेरे बिना। मैं उस आत्मा के बारे में सब कुछ जान गया हूँ काया, और मैं तुम्हें उससे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, जिस प्रॉमिस में कि तुम हार नहीं मानोगी, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। हम एक साथ ये लड़ाई जीत सकते हैं, जीतेंगे। Love you more than the whole world, Kaya. Love you so much. मिलना हमारा इस जिंदगी सपना हकीकत है ये, तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये जान लो, ये मान लो, मेरी बसवा
ना भूल जाना कि मैं हूँ तेरा तेरा अपना। क्या हुआ? काया कहाँ है? वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। लेकिन क्यों? What happened suddenly? मेरी इतना ही समझ में आया। उसके स्कल में लिक्विड भरने लगा है, जिसका प्रेशर उसके ब्रेन पे पड़ रहा है। अगर वो लिक्विड जल्दी से ड्रेन आउट नहीं किया गया तो उसके ब्रेन को सीवियर डैमेज हो सकता है। अस्थियाँ यहीं कहीं हैं। यहाँ कहाँ? जाहिर है कोई ऐसी जगह जहाँ 300 साल तक किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। शादी के मंडप में कितनी मटकियां होती हैं? 7। यहां 8 हैं। Report, you continue.
मिल गई। चलो फिर। अस्थि दे, अस्थि दे मुझे। जाओ, अमन जाओ, आजा, गो, गो, गो। कोशिश कर अमन अमन तू जाके अस्थियां बहा दे। लेकिन चुप, मैं अमन मेरी फिक्र मत कर, तू जाके अस्थियां बहा दे। अमन अमन Thank you.
एक्सक्यूज मी सिस्टर, हाउ शी डूइंग? सब ठीक तो है ना? कुछ भी कहना मुश्किल है सर, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बच तो जाएगी ना? ऑपरेशन बड़ा मुश्किल है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर, शी इज फ्लैट लाइनिंग। ओह माय गॉड।
Doctor, she's going to live. And the good news is, she's recovering very well from her coma. Thank you, Doctor. Thank you so much. Don't thank me. हमने तो सिर्फ कोशिश की है, लेकिन लगता है बचाया किसी और ने। ऑपरेशन थिएटर में मेरे हाथ तो चल रहे थे, पर करने वाला कोई और ही था। सुबह होने से पहले अंधेरा सबसे घना होता है, पर वो अंधेरा भी सुबह को रोक नहीं पाता। आज मुझे समझ आया कि जो सपने दिखाता है वो सपनों को सच करने की ताकत भी देता है। आज मुझे समझ आया कि जो प्यार करना सिखाता है वो प्यार को जिंदा रखने की हिम्मत भी देता है। ओ, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है।